खबर ग्वालियर से है, जहां सभापति को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में दो निर्दलीय पार्षद शामिल कराए गए हैं। वार्ड 2 और वार्ड 61 के पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस के विधायक के सामने कांग्रेस की सदस्यता दोनों निर्दलीय विधायकों ने ली है। नाथूराम ठेकेदार वार्ड 61 से निर्दलीय पार्षद थे, माफ कीजिएगा, और आशा सुरेंद्र चौहान वार्ड 2 से निर्दलीय पार्षद है। तो दोनों निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, कांग्रेस विधायक ने इन्हें सदस्यता दिलाई। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता प्रहलाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, अब सभापति को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है और दो निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने ग्वालियर में जीत हासिल की है, महापौर कांग्रेस की बन गई है शोभा सिकरवार, और उनके जो पति हैं अब इस कवायद में जुट गए हैं कि जो नगर सरकार का जो सदन है उसमें कांग्रेस का दबदबा रहे, तो इसी कड़ी में दो निर्दलीय जो पार्षद हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। इससे कांग्रेस का जो संख्या बल है सभापति के लिए वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कोशिश है कि सदन में जो सभापति है वो कांग्रेस खेमे का बने, तो इसी की जो कवायद है उसकी झलक ये पहली दिखी है। और अंदर खाने और जोड़ तोड़ की कोशिश चल रही है, हालांकि बीजेपी की अपनी कोशिशें हैं और बीजेपी चाहती है कि सदन में जो सभापति है नगर सरकार में उनके पक्ष का बने, तो ये कवायद अब देखने को मिल रही है। तो ये अभी पहली झलक है, और शुभांगी अब देखते जाइए किस तरह से नगर सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से अदला बदली का दिखेगा, कि कुछ यहाँ समर्थन कुछ कांग्रेस में समर्थन, तो ये रस्साकसी और जो जोड़ तोड़ की कवायद है वो शुरू हो गई है ग्वालियर में। बिल्कुल सही कहा प्रहलाद आपने, अब नगर सरकार के स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ग्वालियर में कांग्रेस को जीत मिली थी, महापौर शोभा सिकरवार बन चुकी हैं, ऐसे में अब सभापति को लेकर भी जोड़तोड़ शुरू हो चुका है। दो निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।